हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, और आज के दिन साहब दोस्तों मेरी ओर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी फैमिली की ओर से, मेरी घर की तरफ से। तो दोस्तों इस वक्त अपने पहाड़ों में ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, और दोस्तों सुबह देख सकते हैं सामने वाले पहाड़ों में ना काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है अपनी सुबह सुबह के टाइम पे। देखते हैं सामने से अपनी धूप की शुरुआत होती है। और दोस्तों अभी इस वक्त सुबह सुबह के टाइम पे हमने खेतों के लिए लगा रखा था, खेतों में सिंचाई करने के लिए पाइप, तो पाइप भी अपना फट चुका है कुछ ज़्यादा ही, और इससे दोस्तों पानी भी ज़्यादा ही बह रहा है अब। तो बीच में ना बांधते रहते हैं दोस्तों, ये फटते रहते हैं और ठंडों में सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से ना ज़्यादा फट जाता है एकदम। तो यहाँ से पूरा पानी लीकेज हो रहा है। और दोस्तों नीचे अभी नहीं देख सकते, हमने सब्जियाँ भी लगा रखी अपने खेतों में, तो वहाँ के लिए अपना पाइप डाल रखा है क्योंकि वहाँ ना पूरा सिंचाई करेंगे इस वजह से। और अपनी धूप की शुरुआत भी हो चुकी है अपने पहाड़ों में, लेकिन दोस्तों अभी हमारे खेतों में तो 10-11 बजे तक ही धूप आती है, अभी इतनी जल्दी धूप नहीं आती है। और ये रहा अपना घर यहाँ से सामने से अपने पहाड़ों का, तो कुछ इस तरह से अपने पहाड़ों में घर रहते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा रूम है, तो ये हमारा रूम है, इधर साइड ये हमारा घर है छोटा सा अपने पहाड़ों में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कल मैंने साफ़ सफाई मचाई थी, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है आज। तो रोज़ शाम को सफाई करनी होती है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। यहाँ पे सामने से मम्मी भी आई है बाहर पे, मम्मी भी है बाहर पे काम में लगी हुई है, तो काम कर रही है मम्मी यहाँ पे बाहर पे। अंदर सुबह अपने पहाड़ों में काम स्टार्ट हो जाता है। और मम्मी हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती हूँ आप लोगों को, सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हमारी ये शुभकामनाएं हैं आप हमेशा नया साल मनाते रहिए, मेरे नए साल में ये नए शुभ अवसर में आप लोगों को सबको बड़ी बधाई। जहाँ आप लोग रहे, आपके पूरा परिवार, आपके बच्चे हमेशा खुश रहे, आगे को काफ़ी तरीके करें, और जो आज नया साल आप लोग बनाओगे मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। दोस्तों गायत्री भी यहाँ पे पैक होके बैठी हुई है किचन में, अपना सुबह से अपनी दाल चढ़ा रखी है अपने चूल्हे में किचन में, तो मस्त करके अपना जैकेट टोपा वापा पहन के मस्त होके यहाँ पे बैठी है। ठंडा बहुत ज्यादा हो रखा है दोस्तों अपने पहाड़ों में। क्यों गायत्री हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, अच्छी से बोल दे, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो दोस्तों गायत्री ने भी हैप्पी न्यू ईयर आपको विश कर लिया आज का। तो यहाँ पे आग भी जला रखी मस्त करके, आग भी छोड़ देते हैं, सीटी भी बज गई है। और यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह के टाइम पे और बिल्ली के बच्चे भी हमारे छोटे छोटे यहाँ पे सोए हैं, और ठंडा लगा है, और रीचू भी यहाँ पे सोई पड़ी है अंदर, और छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं दोस्तों यहाँ पे ना, ये सोए रहते हैं। और रीचू सो गई है क्या? तो रीचू के संग छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे सोए हुए हैं, और रीचू तो मस्त अपना कंबल के अंदर सोई थी। रीचू हैप्पी न्यू ईयर बोल दे दोस्तों से, हैप्पी न्यू ईयर बोल। हाँ तो दोस्तों रीचू ने भी आप लोगों को विश कर दिया हैप्पी न्यू ईयर। और छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे ना हमारे दोस्तों ये पकड़ के ऐसे अपने साथ में सुलाए रहती है, तो रीचू ऊपर को दिखाते हैं बिल्ली के बच्चे छोटे 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 बिल्ली के बच्चे दोस्तों, ये रीचू के साथ ही सोए रहते हैं छोटे छोटे हमारे बिल्ली के बच्चे, इसी के संग रहते हैं रात भर। अच्छा अच्छा बिल्ली के बच्चों ने सोने नहीं दिया, शैतान है। तो दोस्तों रीचू बता रही है कि शैतान है, बिल्ली के बच्चे ने सोने नहीं दिया, और यहाँ पे ना खेलते रहते हैं, यहीं सोते हैं रीचू के साथ ही छोटे छोटे। तो यहाँ पे दोस्तों पापा भी आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे आज का, तो बोल दो हैप्पी न्यू ईयर सबको, नया साल मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं कहो, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको नए साल की। तो दोस्तों यहाँ पे पापा ने भी विश कर दिया है आज का हैप्पी न्यू ईयर 2024। और यहाँ पे रीचू अपना टीवी देखने में मस्त हो रखी है, तो यहाँ पे अपना क्रिसमस ट्री भी सजा रखा है, यहाँ पे टेबल पे रख रखा है, और यहाँ पे टीवी लगी हुई है, कार्टून देखने में मस्त है। सुबह सुबह के टाइम पे दोस्तों मम्मी लगी पड़ी है रोटी बनाने में, तो अपना मस्त करके आग भी जलाने में है और रोटी बनाने में भी है। तो सुबह सुबह के टाइम पे मम्मी लगी रहती है अपना रोटी बनाने में, और गायत्री बाहर पानी गर्म करने चले गई, तो मम्मी आज मम्मी की ड्यूटी लग गई है सुबह नए साल के टाइम पे रोटी बनाने की। क्यों मम्मी आज नए साल में खुश है दुखी है? क्यों होंगे दुखी, खुश है फिर? अच्छा। नया साल है।
तो मम्मी ने तो कह दिया मैं खुश हूँ और नया साल आ गया है 2023 से। 2023 चली गया, फिर क्यों रोना नहीं आ रहा, याद नहीं आ रही 2023 की। साल आते रहेंगे, तो नया दोस्तों साल आते रहेगा। फाइनली दोस्तों सुबह के टाइम पे अब हमने बकरियाँ भी खोल दी है, साथ में रिचू है मेरे, तो नीचे खेतों में लगा रखा है अभी इस वक्त हमने, तो यहाँ पे नीचे खेतों में लगा दी है रोज की तरह आज भी। और साथ में दोस्तों रिचू भी है मेरे, तो साथ में आज रिचू भी मेरे साथ बकरी चराने आ चुकी है और यहाँ पे मस्त अपना धूप भी सेक रही है, आगे पे खड़ी है। तो रिचू बकरियों को नीचे को भगा दे। हाँ नहीं मारती है वो, भगा दे नीचे को। रिचू को दर्द ज़्यादा लग रही है कि मार देगी, और यहाँ पे रिचू भी है मेरे साथ, अब बकरियाँ चराएगी यहाँ पे। तो मस्त करके दोस्तों अपनी बकरियाँ नीचे खेतों में चले गई हैं, धूप में चरेंगी अपना यहाँ पे, और कुछ बहुत बकरी यहाँ पे झाड़ी में है। और सामने दोस्तों एक बकरी भी आ गई है धीरे धीरे करके, और सामने दोस्तों देख सकते हैं सामने से अपने पहाड़ों में खूबसूरत धूप आ चुकी है, और सामने अपने खेतों में दोस्तों हम यहाँ पे चराएंगे अपनी बकरियाँ, तो यहीं पे अपना मस्त करके चढ़ते रहेंगे। और साथ में रिचू भी है मेरे, आजा रिचू चप्पल पहन ले, अपने चप्पल पहन ले, चप्पल उल्टी हुई है देख, चप्पल पहन अपनी दो के दो। रिचू चप्पल पहन, आजा चप्पल पहन के आजा, ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी आजा, आगे को चाहेंगे, इनको भगाते हैं बकरी, चल हट हट, चलो 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 आजा, फिर चप्पल पहन ले, आजा 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 फटाफट आजा, जल्दी जल्दी आजा। तो अभी ये खेलना है, अभी तक बैठी थी मस्त करके यहाँ पे जैकेट में, अब यहाँ पे अपना पेड़ में चढ़ गई है, कुछ ना कुछ शरारत तो करती करती है, तो फिर भी मुझे ना इसको देखना पड़ेगा क्या हो गया। अब उसमें से वो टूट जाएगी टेनी, आजा आजा थोड़ी देर नहीं, चल आजा उतर उतर, मैं तेरे को पकड़ के उतारूंगा, आप रुक जा, ऐसे नहीं खेलते उधर, उसमें नहीं जाते हैं कह रहा हूँ ना, 10 बार मना कर रहा हूँ, उसमें नहीं जाते हैं, बस हो गया, वहाँ बैठ जा जैकेट में, अच्छी से जैकेट बिछा रही है, जैकेट में मस्त करके लेट जा, उसमें सो जा भले, ठीक है? देख अपनी बकरियाँ भी देख ऊपर को आने लगी, देख रिचू देख सब बकरियाँ ऊपर को आ गई, हो देख ऊपर को आने लग गए हैं ये। तो गायत्री लोग भी आ चुके हैं घर पे, और तो दोस्तों हम लोग अब घर पे आ जा रहे हैं, और गायत्री रिचू के लिए लेके आई है मार्केट से बाजार से पोलो, पोलो खाएगी रिचू, ले ले रिचू ले, मेरे पास है, दो मुझे क्यों दिए फिर, ये दो मुझे क्यों दे दिए, सब तेरी है, तेरा चल आ जा ले, क्या बाबू तेरे लिए है सब। और दोस्तों हमारी बकरियां भी घर को चले गई है, तो आप बांध देंगे, काफी टाइम तक हमने चरा दिया इनको, और साथ में रिचू भी है, चल रिचू घर को, इधर पे ये यहाँ पे मम्मी लोग भी हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में बिल्कुल तैयार हो रखे हैं, स्वेटर पहन के बिल्कुल चकाचक बने हैं, और यहाँ पे रिचू अपना पोलो खाने में मस्त, कहाँ है रिचू, रिचू तो दिखी नहीं थी, यहाँ पे मम्मी मस्त हो रही थी, और हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और मम्मी ने करीब सुबह से 2 बार आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया दोस्तों, तो मम्मी का तो फिर बेस्ट ही रहेगा, हैप्पी न्यू ईयर 2 बार कह दिया है। और ये रहा अपना घर, और यहाँ पे लगी हुई है गायत्री काम में, साफ सफाई कर रही है, तो जो भी झाड़ू पोछा कर रहा है इसने, कूड़ा करकट जो भी निकलता है तो लगी है अपना साफ सूफ करने में, और इसमें डाल लिए है तसले में, तो इसमें डाल के भी दोस्तों इधर साइड को फेंक के आएगी ये, इधर साइड को जंगल रहता है ना, इधर साइड को कहीं पे गड्ढा बना रखा है तो वहीं फेंक देंगे। अभी यहाँ पे हमने कुछ बकरियों के लिए पत्ते काट रखे हैं, तो वो भी लेके जाना है घर को, तो गायत्री दोस्तों अब पत्ते भी ले जा रही है, सफाई का काम तो इसने कंप्लीट कर लिया अपना, अब पत्ते लेके जा रही है घर को, ये अपने यही पत्ते हैं, तो ये सामने वाले पेड़ से काटे हैं दोस्तों, ये सामने से, तो इस वाले पेड़ से काटा है, और ये फेंक के घर को ले जाना है पकड़ पकड़ के, तो गायत्री लगी पड़ी है दोस्तों आपसे ही निकालने में और फेंकने में।
फाइनली दोस्तों हमारा ये इकट्ठा हो चुका है एक जगह और गायत्री लेके चले गई है घर को। तो इनको दोस्तों ना बकरियों को भी खिलाएंगे हम, तो कभी बारिश भी आ जाए तो तब के लिए भी बहुत सारे काम आते हैं। तो यहीं से गायत्री लेके जाएगी, सीधा नीचे घर में रख देगी इसको। तो अब मैं जो कुछ थोड़ा बहुत है ये मैं भी ले जाता हूँ आज दोस्तों, थोड़ा बहुत जो था मेरे हाथ में मैं भी लेके जा रहा हूँ। और गायत्री तो लेके चली गई है पत्ते, तो ये पत्ते ना हमारी बकरियाँ खाती है बड़ी अच्छी तरह से, मन लगा के खाती हैं, तभी इस वजह से हम लोग ना इसको बकरियों को देते हैं काट के, और यहाँ पे अभी घर में देंगे थोड़ा बहुत बकरियों को खिला देंगे थोड़ा थोड़ा जो रहेगा। दोस्तों इस वक्त अपना चला हुआ है रेता सारने का काम, तो दोस्तों शाम के वक्त और ज्यादा अंधेरा भी हो गया है, तो यहाँ पे लगे हैं अपने नेपाल से भाई आ रखे हैं दोस्तों हम लोग ना यहाँ पे काम करते हैं। तो भाई तुम लोग नेपाल से आए हो? हाँ। तो दोस्तों ये भाई ना अपना नेपाल से आए हैं यहाँ पे काम करते हैं इंडिया में आके, क्यों? हाँ सही बात। और यहाँ पे ना अभी हम रेता यहाँ पे कट्टे में भर रखा है दोस्तों, इसको ना घर को ले जा रहे हैं यहाँ से। तो हमारा काम रहता है अपने पहाड़ों में, काफी हार्ड वर्कर रहते हैं अपने भाई ये। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त आ चुका हूँ अपने रूम पे। दोस्तों आज हमारा डिनर भी हो चुका है, सिंपल ही बना रखा था घर पे पूरी। और यहाँ पे दोस्तों अभी इस वक्त अपने रूम पे आ गया हूँ, दिन भर में देख लिया पत्ते हफ्ते काटे, दिन भर में बकरी चराई, बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों अपने घरों में। तो इसी तरह से दोस्तों अपने पहाड़ों में काम रहते हैं। और आई होप कि दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, लव यू दोस्तों, बाय बाय।